गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, गुड आफ्टरनून। अभी बज चुके हैं तीन बजे। कितने बजे प्रताप? यस। और अभी हम जा रहे हैं बालाछड़ी। दो बजे भाई, बालाछड़ी बीच पे जा रहे हैं। वैसे मैं तो कभी नहीं गया हूँ, प्रताप मुझे लेके जा रहा है। दो बजे चलेगा उसके लिए, अभी एक घंटा ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है। तो प्रताप हमारे साथ जो मनाली आया था, हाय कर दो प्रताप। हाय। और यही स्विफ्ट है जो हम मनाली लेके गए थे। बालाछड़ी इधर से 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं आपको इस रोड का व्यू, जामनगर से राइट, जामनगर से 30 किलोमीटर दूर है और तकरीबन शायद हम 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। ड्राइवर हमारा तगड़ा है। हाँ, तो पायलट में महेश भाई है। महेश भाई जाम, वो भी महेश भाई जाम है। हाँ, महेश भाई जाम, प्रताप जाम और मैं किशोर मुन। तो जा रहे हैं बालाछड़ी बीच। बालाछड़ी बीच, और ये स्वामीनारायण का टेंपल है इधर। ये जामनगर का सबसे बड़ा स्वामीनारायण का टेंपल है। ये टेंपल है, उसका ये मेन गेट है। और महेश जो है मुझे थोड़ी इसकी बड़ी है, और देखिए मुझे इसकी ये जब मनाली हम गए थे तब ये गाड़ी कुछ चली थी 50,000 किलोमीटर, लेकिन अभी चल चुकी है 1,19,000। तो बहुत, एक साल के अंदर बहुत सारी, कहाँ कहाँ गए थे महेश तुम इतना ज्यादा चला के? घूमने का काम करता हूँ डेली, घूमना फिरना। वो पुलिस का बोर्ड भी था वैसे, आज तो नहीं है। आज भी है, आज भी है। तो अभी हम पहुंचे, अभी ये खंबाड़िया बाईपास, और ये रास्ता जाता है राजकोट बाईपास, राजकोट लालपुर जामजोधपुर भाड़वा जाना है। और गाड़ी दुबई की रोड के, दुबई का रोड है, ऐसे ही रोड है इधर गुजरात में। और गाड़ी 100 पे जा रही है, मालूम भी नहीं पड़ रहा है। और वापिस हम आ चुके हैं जो परसों आए थे इधर सांडिया पुल पे। सांडिया पुल ना, सांडिया पुल जैसे इंग्लिश में कहते हैं कैम्बल ब्रिज, और गुजराती में हम कहते हैं सांडिया पुल। लेकिन आप कैम्बल ब्रिज कहोगे तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा। लोकल एड्रेस है ये सांडिया पुल। कहाँ रहते हो तो कहना पड़ता है, देखो सांडिया पुल के नीचे हम रहते हैं। तो महेश भाई का कहना ये था, अभी कह रहे थे कि कम से कम ये मिनिमम 100 चलती है और मैक्सिमम जाती है 180 और 200, उससे कम ये चलाते ही नहीं, क्योंकि इसका ये गाड़ी यूज्ड टू नहीं है। इसमें अलग से बूस्टर लगाए हुए ये आ गया जामनगर पुलिस, आई थिंक सो चेकिंग चेक पोस्ट है कुछ। तो अभी हम पहुंचे हैं दरेर, दरेर जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। ये ब्रास पार्ट, ये सब पीतल के आइटम जो है वो सब बनती है। एशिया का नंबर वन ब्रास पार्ट है। वैसे प्रताप जो है मुझे कहता जा रहा है, क्योंकि मुझे जामनगर का ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन 2-4 महीने में हो जाएगा अगर कोरोना गया नहीं तो। सिर्फ 3 मिनट और 15 सेकंड के अंदर हम पहुंच चुके लालपुर बाईपास। वीडियो हमने स्टार्ट किया था मेरे घर से, सेनानगर से, और 3 मिनट और 25 सेकंड हो गए। अभी 3 मिनट के अंदर हम पहुंच गए लालपुर बाईपास। और लालपुर बाईपास हम मेरे घर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर। तो ये महेश की ड्राइविंग है। तो ये जामनगर का बेस्ट पायलट कहते हैं इसको, जिसको भी गाड़ी चाहिए उससे पहले महेश को बुलाते हैं कि महेश आओ भाई, हमारे जल्दी पहुंचना है, एम्बुलेंस भी पीछे रह जाती है। ये है लालपुर बाईपास, इस तरफ जामनगर जाएगा, सामने की तरफ राजकोट, इस तरफ लालपुर। तो अभी हम पहुंचे हैं राइट साइड में है खिमलिया का पाटिया। इधर मेरी डूंगर, कौन सा डूंगर? दो भाई का डूंगर खिमलिया का पाटिया। और इधर मेरी बहुत सारी यादें हैं, वो मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको, आराम से पी के, पानी पी के बाद बताऊंगा आपको।
मैं इस क्लास में स्टेयरिंग है तो गाड़ी 120-130 से नीचे जा ही नहीं रही है। और अभी हम पहुंचे जामुड़ा के पार्टी है और जामनगर सिटी से बाहर 5 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर। और ये जामुड़ा का पार्टी आए और इधर से हम टन लेंगे बाड़ा छड़ी के लिए। हाँ, ये टन भी आकरा लेता है। देखो ये आकरा लिया इसने। बालाछड़ी इधर से देखिए बोट 13 किलोमीटर है। इधर भी बोट है, वापिस आया। ओके, बोट तो देख लिया। अब ये गाड़ी में 50,000 का मैगुल का भी खर्च किया हुआ है। अच्छा, मैगुल का पूरा 50,000 किया है। खाड़े में होते, सही बात है। और ये थोड़ा नखरा ज्यादा दिखा रहा है, प्रताप हमारा भाई। तो ये है जामुड़ा गांव है, ये छोटा सा गांव है, समर्थ लोक गायक श्री लाखाबाई गढ़वी का गांव। लाखाबाई गढ़वी का ये गांव है। उधर इधर पान की दुकान भी है, देखिए चाय पानी की। सिंगल रोड है तो टू वे रोड कह सकते हैं इसको, तो आराम से हमें चलाना होगा ये। लेकिन महेश आराम से कैसे चला सकता है, पॉसिबल ही नहीं। और ये है जामुड़ा का डैम। बारिश नहीं हुई इधर तो डैम खाली है पूरा। अच्छा, बढ़िया है। जैसे ही हमने जामुड़ा क्रॉस किया 2 किलोमीटर के बाद ये छोटा सा वाटर पार्क भी इधर है। नाम तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन वाटर पार्क है। अच्छा, तो ये बालाछड़ी का रोड है, स्पेशल बालाछड़ी जाने के लिए। सिर्फ यदि ये रोड पे बालाछड़ी आना है, जाना है, ये रोड यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और लेफ्ट साइड में कुछ ये क्रीक है, खाड़ी जो कहते हैं, ये पूरा क्रीक है। और ये मैंग्रोव ट्री लगता है मुझे। तो ये बालाछड़ी का एंट्री है, ये कुछ टॉप वगैरह कुछ लिखा है। चारों ओर बावेड़ा ही है, इधर जंगल ही जंगल। और ये मुझे लगी स्कूल है, लेकिन है ये क्वार्टर। स्कूल तो बहुत बड़ी है। क्वार्टर मतलब मालूम नहीं अभी कौन इधर रहता होगा, पता भी बताएगा अभी तो, लेकिन बाद में, अभी तो नहीं। तो ये है बालाछड़ी की सैनिक स्कूल। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वैसे तो खंडहर हो चुका है लेकिन बहुत पुरानी, आई थिंक सो दिग्विजय जाम ने बनाया होगा ये बिल्डिंग। 1939 में दिग्विजय जाम ने बनाया था, जो पोलैंड के जो बच्चे लोग थे जो इधर पढ़ते थे कुछ ज्यादा, तो मुझे कोई हिस्ट्री मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा सर। ठीक है, प्रताप हमें बताएगा बाद में। लेकिन उससे पहले आप ये पूरा व्यू देख लीजिए, सामने आपको दूर से दिख रही होगी वो मस्जिद है। और इधर महादेव का मंदिर है आगे, और यहाँ पिंड दान होता है, मतलब तोड़ते न थी पूजा। हाँ हाँ, पिंड दान होता है ना इधर। और ये शिव मंदिर है पर यहाँ पे पिंड दान सब कुछ होता है। इधर होता है पिंड दान भी होता है, और माने तो पितृ कार्य जो होता है सब इधर होता है। ना खोलो बस मस्ती जो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और हम आ चुके तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहुंच चुके अभी बालाछड़ी बीच पे। और महेश इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये महेश है जो 130 और 140 में चला था, ये प्रताप है, आप तो पहचानते हो प्रताप में, और मैं गए थे मनाली। और ये बीच है, बीच का वैसे पानी सूख गया है, थी तो वीर आ रही है, मतलब ये सूरज है ना ढलता जाएगा, ऐसे ऐसे ये पानी बिल्कुल इधर चला जाएगा।
तो थोड़ी देर हमें वेट करनी होगी, तब तक के लिए आप चाय पी लीजिए, लगे रहो। ये व्हीकल है जो हम लेके गए थे एक साल पहले मनाली, GJ10BR9791 और गुजराती में लिखा है माड़ी। तो ये बंदा जाम है और जाम सब माड़ी से होते हैं। माड़ी बहुत खतरनाक है भाई, माड़ी यहाँ बहुत खतरनाक है। वो लिखा भी रहता है, साइन बोर्ड भी लगा रहता है। क्या साइन बोर्ड लगे? ये हमारी गाड़ी का फ्रंट व्यू है, स्विफ्ट डिजायर, और ये देखो पुलिस का बोर्ड भी इधर लगा हुआ है, और श्री मोमाई कृपा। और तो महेश कह रहा है कि मुझे दरिया के अंदर नहीं जाना क्योंकि मेरा शूज खराब हो जाएगा, और प्रताप कह रहा है कि शूज निकाल के गाड़ी में रख दो। बालाचड़ी बीच, मैं किशोर मामा और महेश, ये गाड़ी के स्ट्राइक मार दी ना। बालाचड़ी बीच जामनगर का वन ऑफ द पॉपुलर बीच, बढ़िया है, देखो व्यू। अभी पानी जा चुका है और अभी आ रहा है, ऐसे मतलब होता है ना है 15 दिन मॉर्निंग में आता है, 15 दिन शाम को आता है, कुछ इसी तरह अभी आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ, तो हम तो वही बहुत टाइम आए हैं, बहुत बार आए हैं, घूमते हैं, वीकेंड में आते हैं घूमने लायक है। कभी जामनगर आइए आप, फ्री हो और बीचेस का मजा लेना है, समंदर का मजा लेना है, तो यहाँ जरूर आइए। मैं रास्ते में डिटेल्स आपको सबने मामा जी बता दी होगी, और नहीं बताई होगी तो बता देंगे। प्रॉपर जामनगर सिटी से आई थिंक 25 के आसपास होता है किलोमीटर्स। सबसे बढ़िया लोकेशन बेस्ट, और आज तो कोरोना वायरस के टाइप से लॉकडाउन के हिसाब से पब्लिक बहुत इधर आई नहीं है, मतलब आती ही नहीं है, पूरा सब बंद है, सब डर रहे कोरोना वायरस से, और डरना भी चाहिए, हमें एंजॉयमेंट के लिए निकल आए। ओह माय गॉड, देखिए प्रताप दूर पहुंच चुका है, कितना दूर है, जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, और भी जूम, बस इतना दूर पहुंच चुका है, इतना, माय गॉड। पानी सबको शुद्ध करता है, पानी से क्या गंदा होना यार, वेरी नेचुरल फीलिंग्स। और वो दोनों वहां पे खड़े हैं, एक बात बता दूं, यहाँ पे पैसा तो लोग नहीं है, लेकिन तो पितृ कार्य सब यहाँ तट पे होता है, यहाँ पे इसलिए कई लोग आए वहाँ पे, उसके साथ वो लोग खड़े हैं, दाना नहीं चाह रहे, देख रहे हैं, तो ये है समुंदर का पानी। साफ साफ देख सकते हैं, क्या सुबह सब है, बिल्कुल।
हवा के वेव से मैंने सोचा पानी आ रहा है, लेकिन हवा की वेव है वो पानी को इस तरह धकेल रही, लेकिन सही मायने में ये पानी जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो लोग पिंडदान के लिए या पितृ कार्य के लिए आए हुए हैं वो कुछ अपनी पूजा विधि कर रहे हैं। महादेव महादेव जो भी होता है हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के हिसाब से यही होता है। तो इसी तरह समझ सकते हैं आप। तो बालाजी से हम निकले वापस बाहर, बहुत हवा चल रही थी। हाँ बीच पे घूम पे, बीच पे तो नहीं गए, प्रताप गया था अकेला, नहीं पूरा गया था। हाँ बाहर धूप भी बहुत थी और हवा भी बहुत चल रही थी, और देखो बाल कैसे खराब हो गए मेरे। और महेश कुछ कहना चाहता, महेश बोलो दोस्तों, तुम भी भूल गया याद आने के बाद बोलना। प्रताप को पता नहीं चलता है भाई किस टाइम पे किस जगह पे जाने का रहता है, टाइम नहीं होता है हर चीज का। प्रताप को मालूम नहीं रहता है भाई किस जगह पे जाने का नहीं जाने का कुछ मालूम नहीं रहता है प्रताप को। फोन आया क्या? कॉल थोड़ा आगे है मामा का लड़का का। क्या था ये ओके गोप्रो है, गोप्रो कैमरो है, कैडिया ना कैडिया कैडिया क्या बोलते है कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रताप क्या बोल रहा है। इनके हिंदी जी पट्टी जड़ी भाई है। तो ये है सैनिक स्कूल जो मैंने आपको बताया था, बालाचड़ी का आचार्य स्कूल। ये पुराना स्कूल है अभी दिख रहा है वो, प्रताप वैसे बता रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ये पुराना स्कूल है जहाँ 1939 में पोलैंड से आए 1000 चिल्ड्रंस को जामनगर के राजा जाम दिग्विजय सिंह ने यहाँ पे सहारा दिया था, जब आई थिंक वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उस टाइम जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया था, तब वो बोट में के जो हमको सहारा दे वहाँ पे जाएंगे ऐसा बोल के आए, और यहाँ पे जामनगर के किंग उस टाइम के जाम दिग्विजय सिंह थे, तब उनने
उन लोगों को यहाँ पे सारा जी 100 बच्चे को, और इसके लिए पढ़ने के लिए ये स्कूल बनाया था जो बालाचड़ी अभी फिलहाल सैनिक स्कूल है। और मजे की बात ये है, उस टाइम जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे था 100 के ऊपर क्लासेस थे और 1000 बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से एक बच्चा वहां जाके पोलैंड का प्रधानमंत्री बना था और आज भी उनकी राष्ट्रीय सेरेमनी में यहाँ के जामनगर को चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जाता है। ये बालाचड़ी स्कूल का पूरा इतिहास है और अभी फिलहाल ये सैनिक स्कूल है पूरा। यहाँ से बच्चे पढ़कर NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सिलेक्ट होते हैं और बाद में जाके इंडियन आर्मी के अफसर बनते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं वापस जामनगर सिटी के अंदर और अभी हम जाएंगे, कल जो हमारी बाइक खराब हो गई थी ना, तो आज दोपहर को 1 बजे फोन आया था कि बाइक रेडी हो गई, तो ये बाइक लेने के लिए आ गए हम। फोटो के पास रोकते, ये देखिए बाइक खड़ी है ना, उनमें से एक बाइक हमारी है, ये हमारी बाइक है जो कल ये खराब हो गई थी। तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम निकल चुके हैं गैरेज से, अभी जा रहे हैं हम घर पे, पर पता जाएगा अपने घर और मैं जाऊंगा अपने घर। तो व्यू देख लीजिए थोड़ा बहुत जामनगर सिटी का। तो ये जंगल है, जाम साहब बापू है, जामनगर के जो किंग थे उसका ये अभी जंगल है। फिलहाल बहुत सारे इसमें एनिमल भी रहेंगे, मुझे तो कुछ मालूम नहीं ज़्यादा, अभी देखा था।